Hello dear students, you are welcome in RK Institute. I am Dr. RK Saini and today I am going to discuss some questions regarding to atomic structure. बहुत बढ़िया question atomic structure के, जैसे देखो ये सभी JEE वगैरह में आए हुए हैं, जैसे इसी साल ये question आया, ध्यान से देखो. First question, मैं 5 question discuss करूंगा, उसमें पहला question देखो, consider helium atom that absorbed a photon of wavelength 330 nanometer. The change in velocity पूछिए सेंटीमीटर पर सेकंड में ऑफ हीलियम एटम, जब ये फोटोन को एब्जॉर्ब कर लेता है. दे रखा है कि मोमेंटम कंजर्व है, फोटोन जब ये एब्जॉर्ब करता है, प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू दे रखे, एवोगैड्रो नंबर दे रखा है आपको, मोलर मास दे रखा है हीलियम का. तो आप इस क्वेश्चन को मैं सोल्व करता हूं. तो देखो आप ध्यान से, हीलियम मैटरनल पार्टिकल, तो मैटरनल पार्टिकल की वेवलेंथ आप दे ब्रोगली में उससे ड्यूअल नेचर से करेंगे, तो वेवलेंथ इक्वल टू होता है आपके पास में एच अपॉन मोमेंटम, और मोमेंटम इक्वल टू होता है आपके पास में मास इनटू चेंज इन वेलोसिटी. और मोमेंटम को मैं यहां से किसके बराबर लिख सकता हूं, बोलो एच अपॉन वेवलेंथ. तो मैं यहां पर चेंज इन वेलोसिटी यदि फाइंड करना चाहूं तो इसको बोल देता हूं एच अपॉन वेवलेंथ डिवाइड बाय उसका मास ऑफ हीलियम एटम. अब मैं वैल्यू पुट कर लेता हूं तो आपके पास में चेंज इन वेलोसिटी आ जाएगी. तो प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू दे रखे 6.62 इंटू 10 की पावर माइनस 34. यूनिट क्या है दे रखे, देखो एक बार ध्यान से, जूल सेकेंड. आपको पता है एसआई में जूल सेकेंड किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स के बराबर होती है, ठीक है. वेवलेंथ किस में दे रखे है आपको, वेवलेंथ नैनोमीटर में, उसको मल्टीप्लाई कर दो 10 की पावर माइनस 9 से, तो ये हो गई था आपके पास में मीटर में. और ये क्या है आपके पास में, हीलियम एटम का मास. अच्छा, हीलियम एटम का मास देखो एक बार क्या दे रखा है, 4 ग्राम पर मोल, एक मोल का मास है. तो मैं कहता हूं एक एटम का मास बताओ, तो इस एक 4 को आप डिवाइड कर लो मोल से, मोल में कितना दे रखे, 6 × 10 की पावर 23. ये हो गया था एक हीलियम एटम का मास किसके अंदर, ग्राम के अंदर. आपको इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करना है तो डिवाइड कर दीजिए फिर 1000 से, अब ये हो जाएगा किलोग्राम में. अब आप इसको सॉल्व कर लो तो ये आपके पास में चेंज इन वेलोसिटी आ जाएगा, चेक करके देख लो 0.3, और यूनिट क्या आएगी यहाँ पर, मीटर पर सेकेंड. आपसे पूछा किसके अंदर है ये, सेंटीमीटर पर सेकेंड में. तो सेंटीमीटर पर सेकेंड में यदि आपको फाइंड करना है तो क्या करो, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए 100 से, तो आपका आंसर आएगा 30 सेंटीमीटर पर सेकेंड इसका आंसर. इसी साल ये जेई एडवांस में क्वेश्चन था, जेई एडवांस में इस साल ये क्वेश्चन पूछा था. मैंने पहले भी इसको सॉल्व करके देखा, बता रखा है, आज ये क्वेश्चन फिर दोबारा लिखा, ठीक है. एक क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड, द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट बोर ऑर्बिट दे रखे -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, नेगेटिव साइन के साथ है. द पॉसिबल एनर्जी वैल्यू ऑफ द एक्साइटेड स्टेट फॉर इलेक्ट्रॉन इन बोर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, की पॉसिबल एनर्जी कितनी हो सकती है. तो देखो आप ध्यान से, पॉसिबल एनर्जी, एक्साइटेड स्टेट का मतलब n इक्वल टू 2 से 2 और हायर कोई भी हो सकती है. तो एनर्जी को मैं सेकंड सेल में फाइंड कर लेता हूं, तो आपके पास में फॉर्मूला है -13.6, ऊपर लिखते हो जेड स्क्वायर एटॉमिक नंबर का स्क्वायर, और यहाँ नीचे लिख देते हो ऑर्बिट का स्क्वायर. तो सेकंड सेल में, सेकंड का मतलब फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में, मालूम करके देख लो आप, इससे ज्यादा ही आएगी तो एनर्जी को. तो ये 13.6 हाइड्रोजन एटम के लिए जेड तो होता है 1, और एन की वैल्यू सेकेंड सेल लिख के देख लो, तो इसको 4 से आप डिवाइड कर लो तो ये वैल्यू आ जाएगी -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. आप मतलब समझो, यानी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में, या मैं बोलता हूं सेकेंड एनर्जी लेवल में, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी माइनस में 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और यदि इससे हायर एक्साइटेड स्टेट में बात करोगे तो एनर्जी इससे ज्यादा ही आएगी, और कितने तक आ सकती है, 0 तक. तो अब आप देखो इसमें ऑप्शन क्या दे रखे, मतलब टेक्निकल क्वेश्चन था. तो पहले ऑप्शन है 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सेकंड -4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, नेक्स्ट माइनस में इतना. तो इसका मतलब सबसे जो कम एनर्जी है वो फर्स्ट में दे रहा है, कितनी, माइनस में 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यही आपका पास में आंसर है. वैसे हाईएस्ट तो ये भी है, लेकिन आपको पता है 0 से ज्यादा हो नहीं सकती, इसलिए आंसर हो जाएगा 3 - 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. अगला क्वेश्चन है, आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ हीलियम आयन की दे रखी है आपको इतनी, द एनर्जी ऑफ फर्स्ट स्टेशनरी सेल ऑफ लिथियम +2 आयन. अब आप ध्यान से देखो कि जो आयोनाइजेशन एनर्जी होती है वो पता है क्या है, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ग्राउंड स्टेट. रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब एन इनफाइनाइट पर, कहां से, ग्राउंड स्टेट से, n इक्वल टू 1 से इलेक्ट्रॉन को इनफाइनाइट पर ले जाने के लिए जो अमाउंट ऑफ एनर्जी, उसको कहते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी. तो ये आपको हीलियम आयन के लिए दे रहा है कि कितनी, 19.6
इंटू 10^-18 जूल एनर्जी दे रहा है आपको। इनफाइनाइट में एनर्जी कितनी होती है? जीरो। इसका मतलब आपको फर्स्ट एनर्जी स्टेट में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी फाइंड पता लग जाएगी, ये वैल्यू आ जाएगी नेगेटिव साइन के साथ। अब यही फॉर्मूला रख दो जो आपको एनर्जी के लिए रखा है। यदि दो आपके पास में स्पीसीज हो और सेम सेल में एनर्जी फाइंड करनी हो तो आपके पास में फॉर्मूला हो जाएगा एनर्जी ऑफ हीलियम आयन इन फर्स्ट सेल अपॉन एनर्जी ऑफ, पूछा है आपसे, लिथियम प्लस टू आयन इन फर्स्ट सेल, तो हीलियम का यहां पर लिखेंगे एटॉमिक नंबर ऑफ हीलियम आयन उसका स्क्वायर, और यहां लिख देंगे एटॉमिक नंबर का स्क्वायर किसका, लिथियम प्लस टू आयन का। फर्स्ट सेल में आपको हीलियम के लिए एनर्जी दे रखी है, ये वैल्यू माइनस साइन के साथ लिख दो, -19.6 × 10^-18 जूल गिवन, 18 जूल आपको गिवन है फर्स्ट सेल में। लिथियम प्लस आयन के लिए आपसे पूछिए ये एनर्जी लिथियम प्लस टू आयन के लिए फाइंड करनी है कौन से में, फर्स्ट सेल में, तो हीलियम का एटॉमिक नंबर तो होता है 2 और लिथियम का एटॉमिक नंबर है 3, तो आप इसको 9 से तो मल्टीप्लाई कर लो और 4 से डिवाइड कर लो, तो ये जो वैल्यू आपके पास में आ जाएगी एनर्जी किसकी, लिथियम प्लस टू आयन की ग्राउंड स्टेट में, ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास में बी ऑप्शन में माइनस में 4.4 × 10^-17 जूल पर एटम, चेक करके देख कर लेना, समझ गए। तो ये आपके पास में एनर्जी थी हीलियम लिथियम प्लस आयन की किसके अंदर, फर्स्ट एनर्जी स्टेट के अंदर। दो क्वेश्चन और लिखें आप समझो, देखो उनको ध्यान से देखिए, एटॉमिक स्ट्रक्चर के दो क्वेश्चन और बताऊंगा, समझिए आप, बढ़िया क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 समझो, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी, क्वेश्चन 4 है ये, क्वेश्चन 4 व्हाट इज, एक बार रीड करो क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 4 है व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ थर्ड लाइन ऑफ पाशन सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटॉमिक स्पेक्ट्रम। अब आप समझिए ध्यान से, हाइड्रोजन एटॉमिक स्पेक्ट्रम की पाशन लाइन है कौन सी है, वो भी थर्ड। अब आप समझना, मैं पूछता हूं पाशन कब बनती है, बोले साहब इलेक्ट्रॉन जब हाई एनर्जी स्टेट से थर्ड में आ जाता है इसको कहेंगे फर्स्ट पाशन, जब फोर्थ से आएगा फर्स्ट पाशन, जब फिफ्थ से आएगा तो आप उसको क्या बोलोगे, सेकेंड पाशन, और जब इलेक्ट्रॉन 6 एनर्जी लेवल से थर्ड में आएगा तो आप उसको बोलेंगे थर्ड पाशन, ठीक है। इसलिए पाशन के लिए N1 की वैल्यू तो रहेगी थर्ड, और इस केस में N2 की वैल्यू आपके पास में रहेगी 6। अब आपसे पूछा क्या है इसके अंदर, थर्ड लाइन पाशन की फ्रीक्वेंसी पूछी है, तो अब आपको एक मालूम है, एक बार समझा देता हूं, देखना रेट बार कॉन्स्टेंट की वैल्यू क्या है। आपको पता है कि जो एनर्जी डिफरेंस है जूल में, यदि मैं बात करूं तो वो होता है आपके पास में, इसको Ne2-E1 लिखने के बाद में ये वैल्यू आती है 2.18 × 10^-18 जूल में, ध्यान रखना है 18 जूल, और हाइड्रोजन एटम है इसलिए Z की वैल्यू तो लिख देंगे 1 upon N1² - 1 upon N2², ठीक है, ये आपके पास में एनर्जी है। अच्छा ये जो डेल्टा E है चेंज इन एनर्जी, ये किसके बराबर होती है, H न्यू के। यदि आपसे कोई पूछेगा फ्रीक्वेंसी, तो इस वैल्यू को मैं, ये जो आपके पास में 2.18 × 10^-18 इसको डिवाइड कर दो आप प्लैंक कांस्टेंट से, इसको प्लैंक कांस्टेंट से क्या कर दो डिवाइड, प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है 6.62 × 10^-34 जूल सेकंड में। तो ये अब आप चेक करो, देखो आपको ये जो वैल्यू दे रखी है ना रिडबर्ग कांस्टेंट की, वो ये वैल्यू है, देखिए इधर आपको गिवन वैल्यू रिडबर्ग कांस्टेंट की जो वैल्यू दे रखी है ना वो ये है, चेक कीजिए इसको आप जब सोल्व करोगे तो ये वैल्यू आपको दे रखी है रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू RH की। तो फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू ये वैल्यू चेक करो कितनी गिवन है आपको, देखो ये दे रखी है 3.29 × 10^15 हर्ट्स वैल्यू है, ये चेक कर लेना, ये रिडबर्ग कांस्टेंट है, तो यहां पे लिख देता हूं 3.29 × 10^15 हर्ट्स या पर सेकंड। अच्छा पाशन के लिए N1 की वैल्यू लिखेंगे 3 और N2 की वैल्यू थर्ड लाइन है इसलिए यहां पे लिखेंगे 6² तो ये जब आप और इसको सॉल्व करोगे तो देखो इधर तो फ्रीक्वेंसी कॉस्ट हो जाएगी आपके पास में 3.29 × 10^15 1 upon ये आपके पास में हो जाएगा साहब 36 हो जाएगा इसका LCM और 36 में से 9 तो ये 4 तो ये आपके पास में 4-1 यानी ये 3 हो जाएगा आपके पास। तो आप क्या करना है इस वैल्यू को 3 से मल्टीप्लाई करके 36 से डिवाइड कर दो तो ये आपके पास में आंसर आ जाएगा 2 point something के आसपास। तो आपके पास में जो सी ऑप्शन है देखो इधर ध्यान से इसको जब सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू आएगी 2.74 × 10^15
2.74 इंटू 10 की पावर 14 हर्ट्ज। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, बढ़िया क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन नंबर फिफ्थ को देखो, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन फिफ्थ क्या लिखा हुआ है, द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बोर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम के लिए एंगुलर मोमेंटम दे रखा है, यूनिट देखो किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। कैलकुलेट वेव नंबर ऑफ इन टर्म ऑफ रिडबर्ग कॉन्स्टेंट ऑफ द स्पेक्ट्रल लाइन एमिटेड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन फॉल फ्रॉम दिस लेवल टू ग्राउंड स्टेट, प्लैंक कॉन्स्टेंट की वैल्यू गिवन है। अब आप समझना ध्यान से, सबसे पहले तो जब आपको एंगुलर मोमेंटम दे रखा है तो ये फाइंड करना है कि इलेक्ट्रॉन किस सेल के अंदर है या किस ऑर्बिट के अंदर है। तो आपको पता है कि mvr इक्वल टू होता है साहब nh अपॉन 2π, m इलेक्ट्रॉन का मास किलोग्राम में, यूनिट बता रहा हूं, वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन की मीटर पर सेकंड में, और r डिस्टेंस है मीटर में फ्रॉम द न्यूक्लियस। n आपको फाइंड करना है साहब, वैल्यू दे रखी है, h आपको मालूम 2π, तो n की वैल्यू हो जाएगी आपके पास में, देखो इधर mvr इंटू 2π अपॉन h, ये किसकी वैल्यू हो जाएगी आपके पास में, n, ये एम बी आर था एंगुलर मोमेंटम है, ही आपको क्वेश्चन में दे रखा है। कितना गिवन है, 3.1652 इंटू 10 की पावर -34, 2 इंटू पाई की वैल्यू लिखो 3.14, और प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू लिखो 6.6, जो दे रखे वही लिखो 6.626 इंटू 10 की पावर -34 जूल सेकंड को। आप पता है क्या बोलते हो जूल सेकंड को, किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड इनवर्स, और यही वैल्यू आपको इसकी दे रखी है एंगुलर मोमेंटम की, क्या है किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड इनवर्स। इसलिए आपके पास में इसको सॉल्व कर लेना, यूनिट लेस की वैल्यू आपके पास में एन की वैल्यू आ जाएगी, जब इसको सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू आएगी 3। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन कौन सी सेल में था आपके पास में, थर्ड सेल में। अब पूछा क्या है आपसे, वेव नंबर, थर्ड सेल से जब इलेक्ट्रॉन नीचे आएगा तो वेव नंबर फाइंड करने, वो देखो रिडबर्ग कांस्टेंट की टर्म में चेक करा देता हूं हाइड्रोजन के लिए। तो देखो ये होता है 1/ वेवलेंथ, इसी को बोलते हो वेव नंबर, इक्वल्स टू ये रिडबर्ग कांस्टेंट हाइड्रोजन के लिए Z1 और N1 की वैल्यू तो आप लिख देंगे 1, और N2 की वैल्यू इस क्वेश्चन में क्या आई आपके पास में, थर्ड, तो वेव नंबर इक्वल्स टू हो जाएगा आपके पास में रिडबर्ग कांस्टेंट 1/1, और ये हो जाएगा 1/9। इसको जब सोल्व करोगे आपके पास में तो वेव नंबर की वैल्यू हो जाएगी 8R/9 इसका आंसर। तो ये इस तरह से कुछ क्वेश्चन थे, बढ़िया क्वेश्चन थे, देखो एक बार ध्यान से, तो आंसर आपके पास में फर्स्ट आ जाएगा 8R/9 इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। तो ये एटॉमिक स्ट्रक्चर के कुछ बढ़िया क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट किए थे, आप इनको देखते रहा करो, और अच्छे यदि लगते हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी किया करो, जिससे नए नए क्वेश्चन आपको मिलते रहें। ओके, बंद करता हूँ, थैंक यू।